हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे हो गए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बजाज पल्सर 125 का नया कलर ऑप्शन प्लस नया वेरिएंट भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि कार्बन फाइबर कलर में आता है। और ये जो कलर ऑप्शन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बजाज की पल्सर जो 150 आती थी पहले, आपको ये कलर ऑप्शन उन बाइक्स में देखने को मिलता था, बट बजाज वालों ने 125 सेगमेंट में भी ये सेम कलर जो ऑप्शन है उसे रिलॉन्च किया है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही पल्सर 125 के टॉप मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पल्सर 125 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, ये बाइक आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों पल्सर 125, ध्यान रखिए स्प्लिट सीट और ये जो कलर ऑप्शन है, ये इस पर टॉप वेरिएंट है। ये आपको एक्सरू प्राइस अराउंड 91,000 रुपए के आसपास की एक्सरू प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट या सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस से फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आपको बता रहा हूँ 1,09,000 रुपीज़, 1,09,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों के स्टेट एंड सिटी में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों ने इसका कलर ऑप्शन तो देख ही लिया, नया कलर ऑप्शन है, ठीक है। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। दोस्तों इंजन में इस बाइक में 124.4 सीसी का एयर कूल्ड 4:2 ओलो ट्विन स्पार्क प्लग सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो हमें इस बाइक में देखने को मिलता है। जी हाँ, मैक्सिमम पावर भी ये बाइक अराउंड 11.8 के आसपास की पीएस पावर जनरेट करती है 8500 आरपीएम में, एंड मैक्सिमम टॉर्क में 10.8 का इंटरमीटेड टॉर्क आपको बाइक में देखने को मिलता है, जो कि 6500 आरपीएम में पावर जनरेट करती है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि 125 के हिसाब से बाइक पे जो पावर आपको काफ़ी अच्छी दी गई है, और ऑब्वियसली बात है बजाज की जितनी भी बाइक्स हैं उन्हें परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है, परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। कूलिंग सिस्टम में बाइक में एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में FI देखने को मिल जाता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। दोस्तों इस बाइक को नंबर ऑफ वन यानी कि वन सिलेंडर के साथ में डिज़ाइन किया गया है। बाइक में आपको 2 वॉल्व इंजन देखने को मिलता है, प्लस ध्यान रखिए दोस्तों इस बाइक में आपको नंबर ऑफ 5 यानी कि 5 गियर जो है आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 125 सीसी की बाइक है, बट ये 5 गियर के साथ में आती है। स्वेद है दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि एक्चुअल में बजाज वालों ने इस बाइक में सिर्फ और सिर्फ कलर ऑप्शन में काम किया, कलर ऑप्शन के अलावा बाइक में फिलहाल अभी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी आपको चेंजेस जो है बाइक में देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों माइलेज में आपको ये बाइक अराउंड 50 to 55, जी हाँ 50 से 55 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर देती है। 0 to 60 में इस बाइक को 6 सेकंड लगते हैं। टॉप स्पीड इसकी 105 से 110 किलोमीटर पर आवर के आसपास की देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों इस बाइक के फ्रंट में। सबसे पहले देख पा रहे बाइक के जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों ये मत सोचना सस्पेंशन अच्छे नहीं है, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन दिए गए हैं इस बाइक में। टायर साइज बाइक में आपको फ्रंट में 1800 की टायर साइज देखने को मिलती है, प्लस फ्रंट में आपको बाइक में 240 mm की जो डिस्क प्लेट है वो आपको बाइक में मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइटिंग्स के बारे में। सो दोस्तों देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको मेन लाइट में सेम वही हेलोजन लाइट देखने को मिलती है, जो कि सेम लाइट आप लोगों को बजाज की पल्सर 150 में देखने को मिलती थी। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे इसे थोड़ा अपडेट की भी ज़रूरत है, जिसमें थोड़ा मुझे माइनस पॉइंट लगता है कि भाई हेलोजन लाइट में लोग काम कर रहे हैं अभी तक। मुझे लगता है कि ये लोगों को अब LED लाइट में जो है काम करना चाहिए, तो ये बाइक और भी ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी टनल सिंगल लाइट भी आपको बाइक में बल्ब देखने को मिल जाते हैं। रियर की तरफ आते हैं, टेल लाइट में आपको बाइक में ज़रूर LED टेल लाइट देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रियर में आपको बाइक में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। रियर में बाइक में टायर साइज जो है वो 190 का है, प्लस रियर में आपको बाइक में ट्विन गैस सॉक सस्पेंशन जो है हमें रियर में देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। सबसे पहले आप की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में मिल जाती है। स्पीडोमीटर में दोस्तों इस बाइक में आपको एनालॉग विद डिजिटल मीटर जो है बाइक में देखने को मिल जाता है, जिसमें बेसिक से मतलब फीचर है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, कुछ ये सब आपको मतलब नॉर्मल फीचर्स आपको बाइक में देखने को मिलेंगे। हालांकि आजकल भाई जो मैं अदर कंपनी देख रहा हूँ वो 125 में भी काफ़ी एडवांस हो गई है, प्लस बजाज फिलहाल मुझे लगता है सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा, इसे बेसिक ही बनाया गया एकदम
प्लेटिनम कमिटर सीरीज की बाइक रखी गई है। स्विचेज में लेफ्ट हैंड साइड में पास सीज लोबी में हैबिम टर्न सिंगल एप हॉर्न का स्विच है। राइट हैंड साइड में इंजन किल सी सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस बाइक के डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है अराउंड 2042 mm की, बाइक की जो ओवरऑल वीथ है अराउंड 765 mm की है, बाइक की जो ओवरऑल हाइट अराउंड 1060 mm की है, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 165/165 mm की है, इसकी सीट हाइट है अराउंड 790/790 mm की, प्लस बाइक की जो व्हीलबेस है वो 1320 mm की, एंड बाइक का जो कर वेट है ना वो है 142 kg का। तो वेट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है 125 सेगमेंट के हिसाब से। 11.5 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। चलिए तो दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर 125 के नया स्प्लिट सीट का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।